नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रजनी वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रूट ड्रिंक। हम फ्रूट ड्रिंक कैसे बनाते हैं आपको सिखाते हैं यार। इसके लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए होती है। अगर आपको ये फ्रूट ड्रिंक अच्छी लगे, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए बनाना सीखते हैं फ्रूट ड्रिंक। तो फ्रूट ड्रिंक के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, फ्रूट क्रीम के लिए क्रीम की जरूरत है हमें। सबसे पहले मैंने ली है अमूल की क्रीम। आप चाहें तो इसे बाजार से खुला भी ले सकते हैं क्रीम। ये करीब 1 किलो का डिब्बा है। इसके बाद हमें चाहिए 2 सेब, जो मैंने यहाँ अभी काट के रखे हुए हैं। इसका छिलका उतार लें पहले और उसके बाद इसे बारीक बारीक काट लें। ज़्यादा बड़ा साइज ना करें, छोटा छोटा साइज करें, इतना बड़ा साइज करें। और फिर हम लेंगे केले। ये मैंने 2 केले लिए हैं और 2 केले अभी आपके सामने काटेंगे। ये है अनार। अनार मैंने एक काट के छील लिया है और अच्छे से साफ कर लिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए चीनी, जो कि मैंने पीस ली है मिक्सी में। चाहे तो आप बूरा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने जो है अभी चीनी मिक्सी में पीस ली है। तो लगभग 1 कटोरी करीब हमने ये चीनी ली है। थोड़ा सा हमने इलायची पाउडर लिया है। मैंने इलायची भी जो है यहाँ पर निकाल के उसके दाने पीस लिए हैं। तो थोड़ी सी इलायची और थोड़ा इसका फ्लेवर के लिए हम लेंगे गुलाब जल। आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। इसकी वनीला एसेंस की 1-2 बूंदें काफ़ी होती हैं, पर मैं आज डालूंगी गुलाब जल। तो अब हम शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम एक बाउल में क्रीम ले लेते हैं। सारी क्रीम हम खाली कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए सारी क्रीम हमने अच्छे से खाली कर ली। अब इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे फ्रूट क्रीम को। चाहे तो आप चम्मच से ही फेंट सकते हैं, मैं इससे फेंट रही हूँ। थोड़ी गाढ़ी है अभी, इसमें चाहे तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं या थोड़ा सा दूध भी आप मिला सकते हैं इसमें। हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। ये हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं क्योंकि तो बहुत गाढ़ी फुल से अच्छी लगती है खाने में। जैसे कि हमने ये आपको बताया था, हमने चीनी पीस के रख ली थी, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं मीठा। जो लोग कम खाते हैं वो कम डालें। इतना अच्छे से फेंटेंगे इसकी चीनी अच्छे से घुल जाएगी, अंदर भी नहीं आएगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फेंट दिया है। ये हमारी फ्रूट क्रीम अच्छे से फिट चुकी है। अब हमें इसमें ऐड करना है ये सेब है, जो मैंने इसका छिलका उतार के अच्छे से काट लिया था। और अगर आप जब ये सेब काटें तो उसे पानी में काटिए, क्योंकि सेब बहुत जल्दी काला पड़ जाता है क्योंकि इसमें आयरन होता है। तो इसके लिए मैंने इसे काट के पहले पानी में ही रखा था। ये हम सारे सेब इसमें डाल देंगे। ये अनार है जिसे हमने छील लिया है अच्छे से। ये आपकी मर्जी है, आप इसमें अनार ऐड करना चाहें तो करिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अरे मैं थोड़े से ही डाल रही हूँ इसमें। ये हमने 2 केले इसमें काट लिए हैं, 2 केले और इसमें ऐड करेंगे।
केले फ्रूट क्रीम में ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि सॉफ्ट से होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे बच्चों को एप्पल ज़्यादा पसंद है तो आप एप्पल डाल लीजिए, इसमें आप पाइन एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, पाइन एप्पल भी बच्चों को बहुत पसंद आता है, चेरी भी डाल सकते हैं आप इसमें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को क्या पसंद है। और इसे हम काटेंगे बारीक बारीक ही, ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे। कि जैसा कि आपने देखा हमने केले काट लिए हैं, अब ये केले सब हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा इसे मिला लें। अब हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब जैसा कि हमने यहाँ इसमें थोड़ी सी इलायची हम इसमें डाल देंगे, इससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा हो जाता है और टेस्ट अच्छा लगता है। अब ये हमने जो कि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम है, कुछ किशमिश, काजू और पिस्ता, अब ये हम थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को एक हैवी नाश्ता मिल जाता है और हेल्दी होता है, क्रीम अपने आप में ही बहुत हेल्दी होती है, तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हमने यहाँ जो अनार बचाया था वो भी थोड़ा सा डाल देते हैं ऊपर से, देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, 100% गारंटी है आपके बच्चे इसे दोबारा मांगेंगे और खाना चाहेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए मिनटों में आपका ये फ्रूट क्रीम तैयार है, इसमें कोई ज़्यादा आपको झंझट नहीं पालने हैं, आराम से ही घर में तैयार हो जाता है, घर की ही बनी हुई चीज़ों से सब कुछ आपके घर में अवेलेबल हो जाती है। जो भी फ्रूट्स आपके घर में है आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए, जो बच्चों को पसंद हो वही वाले फ्रूट्स आप इसमें डालिए। आप इसमें अंगूर भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये फ्रूट क्रीम कैसी लगी, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन में जाना ना भूलें। तो आपसे अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ये फ्रूट क्रीम आप गर्मियों में ठंडा करके खाइए, फ्रिज में रखिए और इसे ठंडा होने के बाद ही खाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जैसे जाड़े हैं तो आप इसे तुरंत बना के भी खा सकते हैं, लेकिन ये गर्मियों में ठंडा करके खाने में ज़्यादा मज़ा देता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना ठंडा करना चाहते हैं, अच्छे से ठंडा करके खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और बाकी आपके ऊपर है जैसे आप खाएं।